गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर फिफ्थ चैप्टर विच इज़ कोल एंड पेट्रोलियम ऑफ क्लास 8. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक, ठीक है. तो वहाँ पे मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग है वो नहीं करवाए थे, बोला था कि एक पेज छोड़ देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी. तो आज मैं सबसे पहले आपको करवाऊँगी वर्ड मीनिंग, उसके बाद आप एक्सरसाइज राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक के अंदर. ओके, तो सबसे पहले है यहाँ पे वर्ड मीनिंग. फर्स्ट है कोल. कोल का मीनिंग होता है कोयला. सेकंड इज एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है निष्कर्षण या फिर निकास. थर्ड है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मींस विनाशकारी आसवन. फोर्थ है कोल तार. कोल तार को हिंदी में बोलते हैं तार कोल. फिफ्थ है रिफाइनिंग. रिफाइनिंग का मीनिंग है स्टूडेंट्स विनय. सिक्स्थ है रिफाइनरी. रिफाइनरी का मीनिंग है परिशोधनशाला. सेवन्थ है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस का मीनिंग है प्राकृतिक गैस. एट्थ है रिसोर्स. रिसोर्स का मीनिंग है संसाधन. नाइन्थ है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स का मीनिंग है स्टूडेंट्स जीवाश्म ईंधन. इलेवन्थ है वेजिटेशन. वेजिटेशन का मीनिंग है वनस्पतियाँ. इलेवन्थ है एग्जॉस्टेड, मीनिंग कमज़ोर. ट्वेल्थ है एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सिस, मीनिंग संपूर्ण संसाधन. थर्टीन्थ है अनप्लीजेंट. अनप्लीजेंट का मीनिंग है स्टूडेंट्स अप्रिय. फोर्टीन्थ है ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि. सो स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके वर्ड मीनिंग. ये आपको फिर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके, आगे है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. मैंने आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवा दिए थे एक्सरसाइज के, आज हम करेंगे इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ कोल फॉर्म्ड. कोल कैसे फॉर्म्ड होता है, मीन्स कोयला कैसे बनता है. आंसर इज़ ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस एज अबाउट 3300 मिलियन ईयर्स एगो देयर वॉज प्लेंटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड डेंस फॉरेस्ट इन स्वैम्पी एंड लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ऑन द अर्थ. Plants and other life forms after their death drifted down to the bottom of the swamps where they were compressed and decomposed to form peat. Coal was formed due to the compression of peat at high temperature and pressure. This slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो बोला गया है कि coal कैसे form होता है, ठीक है, कोयला कैसे बनता है. सो यहाँ पे लिखा गया है जब कार्बोनिफेरस एज थी 300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या थे, प्लेंटी ऑफ प्लांट लाइफ, ये फॉरेस्ट बहुत थे, घने जंगल थे, ठीक है, स्वैम्पी और लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में अर्थ के. और प्लांट और जो दूसरी लाइफ फॉर्म थी उसकी डेथ के बाद क्या होता गया कि जो ये सब है वो क्या धरती के नीचे स्वैम्प्स में नीचे धरती के नीचे धंसते गए, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, नीचे दबते गए और डिकम्पोज हो गए पीट के अंदर. किसमें? पीट के अंदर. कोल वाज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन. कोल फॉर्म हुआ, बना किसके कंप्रेशन से, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द पीट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो कोल बना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से, इससे क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया. एक स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है डेड वेजिटेशन का कोल के अंदर. इसी प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन. क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? कार्बनाइजेशन. अब हम करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन. व्हाट मेक्स नेचुरल गैस ए क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल. क्या बनाती है नेचुरल गैस ए क्लीन और ग्रीन फ्यूल है. आंसर इज व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इट गिव्स ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल्स लीव्स नो ऐश. इट कॉजेज वेरी लिटिल एयर पोल्यूशन एज मिथेन बर्न्स ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल्स एंड प्रोड्यूसिस मोस्टली हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. दस इट कंट्रीब्यूट्स टू ए क्लीनर एंड ग्रीनर इन्वायरमेंट. तो क्या बोला गया है कि जब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ मैं आपको, समझा रही हूँ. जब नेचुरल गैस बर्न करते हैं तो वो क्या कर देती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
देती है और अनलाइक अदर फॉसिल फ्यूल्स की तरह कोई ऐश भी नहीं छोड़ती, मीन्स राख भी नहीं छोड़ती, ठीक है। ये क्या करती है, बहुत ही कम एयर पोल्यूशन कॉज करती है, और क्योंकि जो मीथेन है गैस है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। ओके, ये क्या है, क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है और प्रोड्यूस करती है हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को, दस इट कंट्रीब्यूट्स, इसीलिए इसको एक क्लीनर और ग्रीनर इन्वायरमेंट नेचुरल गैस बोला जाता है। ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट्स नेम द वेरियस कंपोनेंट्स ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, मेंशन एटलीस्ट वन यूज ऑफ ईच। हमें क्या करना है, नेम बताने हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के, और साथ में एक यूज़ बताना है उनका, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेम कौन कौन से हो गए, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नेप्था, कैरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग फ्यूल ऑयल, पैराफिन, बिटुमन, ठीक है। तो ये सबके नेम हैं जो क्या है फ्रैक्शन कंपोनेंट्स हैं और इनका एक एक यूज़ बताना है। सबसे पहले LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो LPG की फुल फॉर्म है वो एक नंबर में भी आ सकती है आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो LPG इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, LPG यूज़ की जाती है होम में और इंडस्ट्री में। पेट्रोल इज़ यूज्ड एज मोटर ऑयल, पेट्रोल यूज़ किया जाता है मोटर ऑयल में, एविएशन फ्यूल की तरह और सॉल्वेंट की तरह जो ड्राइंग क्लीनिंग में यूज़ होते हैं। आगे नेप्था इज़ यूज्ड एज द प्राइमरी कंपोनेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स, गैसोलीन में यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन में। आगे कैरोसिन इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर स्टोव्स एंड लैंप्स एंड ऑल्सो इन जेट एयरक्राफ्ट। कैरोसिन यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह स्टोव्स में और लैंप्स में और जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। आगे डीजल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। जो डीजल है यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह हैवी मोटर व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर। आगे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मैनी ल्यूब्रिकेटिंग पर्पज़ के लिए। आगे फ्यूल ऑयल इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर शिप, फैक्ट्रीज एंड सेंट्रल हीटिंग। यूज़ किया जाता है फ्यूल ऑयल शिप के लिए, फैक्ट्रीज के लिए। आगे पैराफिन वैक्स इज़ यूज्ड की जाती है ऑइंटमेंट्स के लिए, कैंडल्स में और वैसलीन में। बिटुमिन इज़ यूज्ड इन पेंट्स में एंड ऑल्सो टू सरफेस रोड्स। बिटुमिन यूज़ किया जाता है पेंट्स के अंदर और रोड की सरफेसिंग में। ओके, तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे 3 क्वेश्चंस। आगे हम करेंगे स्टूडेंट 4th क्वेश्चन है जो हमारा, व्हाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है। पेट्रोलियम इज ए ब्लैक क्रूड ऑयल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, इट इज प्रोसेस्ड इन ऑयल रिफाइनरीज टू गिव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, दस इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड हैज़ ए ग्रेट रोल टू इम्प्रूव द वेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ ए नेशन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन अवर डेली लाइफ ड्यू टू इट्स वर्सेटाइल यूज, पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। क्या बोला गया है कि जो पेट्रोलियम है वो एक ब्लैक क्रूड ऑयल है फाउंड जो हुआ, जो कहाँ पे पाया गया, अर्थ के सरफेस के नीचे। ये प्रोसेस होता है ऑयल रिफाइनरीज में और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल देता है और अदर यूजफुल प्रोडक्ट भी हमें इससे मिलते हैं। इसी वजह से ये प्राइम सोर्स है एनर्जी का बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए और ग्रेट रोल प्ले करता है वेल्थ को इम्प्रूव करने में और नेशन को ग्रो करने में, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्ले करते हैं वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल, मीन्स वाइटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट रोल हमारी डेली लाइफ के अंदर। ड्यू टू वर्सेटाइल यूज़ पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, वर्सेटाइल यूज़ के हो रहा है इसका, तो इसी वजह से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। ओके, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे स्टूडेंट 5th क्वेश्चन। ओके, नेचुरल क्वेश्चन नंबर 5th इज़, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड जुडिशियली, जस्टिफाई दी स्टेटमेंट। क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूज़ किए जा रहे हैं जुडिशियसली और उन्हें हमें जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। आंसर दिया गया है, पेट्रोलियम कोल एंड नेचुरल गैस आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज बट अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट।
Thus, it is necessary to use them with care. It takes millions of years to form them. The rate at which they are consuming is more rapid than the rate of their formation. So there is a need to find alternative source of energy. Moreover, burning fuels release carbon dioxide into the air, which contributes to global warming. क्या बोला गया है कि जो पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं, बट अवेलेबल हैं ये लिमिटेड अमाउंट के अंदर. इसी वजह से इनको यूज़ करना ज़रूरी है केयर के साथ. ठीक है, केयर के साथ यूज़ करना ज़रूरी है इनका. ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको बनने में, फॉर्म होने में. तो रेट है जिस वजह जैसे यूज़ किए जा रहे हैं, तेज़ी से इनका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो इनकी फॉर्मेशन का रेट है वो क्या है, स्लो है. ओके, इसी वजह से ज़रूरत है एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की. मोर ओवर, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो जीवाश्म ईंधन है, वो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर के अंदर, जो जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कोज होती है. ओके, तो ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं. अब आता है स्टूडेंट्स इस लेसन का बुक वर्क. बुक वर्क में सबसे पहले हैं चूज़ द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है एयर, वाटर एंड सनलाइट आर. एयर, वाटर और सनलाइट क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल सोर्स, एग्जिस्टेबल सोर्स, ऑल ऑफ दिस. तो फर्स्ट का आंसर आएगा बी. तो यहाँ पे आप बी पे टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी पे. ठीक है, सेकंड है द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, फॉसिलाइजेशन, बायोडिग्रेडेशन, फोटोडिग्रेडेशन. तो जो स्लो प्रोसेस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं डेड वेजिटेशन को, वनस्पति को, कोयले के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कार्बनाइजेशन. तो सेकंड के ए पे आप टिक कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स द कंपोनेंट ऑफ कोल विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज. जो कंपोनेंट है कोल का जिसमें क्या है हाईएस्ट परसेंटेज है कार्बन की, वो क्या है. ऑप्शंस दिए गए हैं कोल तार, कोक, कोल गैस या फिर पीट. तो थर्ड के बी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, जो कोक है उस पे. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज होती है किसकी, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन से. तो जो मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों की अगर इंक्रीज करेगी कंसंट्रेशन तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी. तो फोर्थ के सी ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो. ओके, आगे दिया गया स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ. जो पेट्रोलियम है वो रिफाइन होता है कौन सी प्रोसेस के द्वारा. ऑप्शंस दिए गए हैं कार्बनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. तो फिफ्थ के सी ऑप्शन पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आप टिक कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स ये हो गया आपके चूज द करेक्ट आंसर. ये आपको बुक के अंदर ही फिल करने हैं और वहीं से लर्न करने हैं. आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स मैच दी कॉलम्स. कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है. तो सबसे पहला दिया गया है कोक. कोक को स्टूडेंट्स आप मैच करोगे मेटल एक्सट्रैक्शन से, फर्स्ट को सी से. आगे दिया गया सेकंड बिटुमन. बिटुमन को आप स्टूडेंट्स मैच करोगे रोड सरफेसिंग से, सेकंड को डी से. थर्ड दिया गया है स्टूडेंट्स कारपूलिंग. कारपूलिंग को आप मैच करोगे बी से, पेट्रोल कंजर्वेशन से. फोर्थ दिया गया है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम को स्टूडेंट्स आप मैच करोगे ब्लैक गोल्ड से. लास्ट है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को आप मैच करोगे स्टूडेंट फर्स्ट से ए से. ओके, सो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके मैच दी कॉलम्स. आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स ट्रूफॉल्स. ट्रूफॉल्स में फर्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड ऑर्गेनिक मैटर. क्या जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो फॉर्म होती है कंप्रेस्ड ऑर्गेनिक मैटर से. तो फर्स्ट का आंसर आएगा स्टूडेंट्स ट्रू. क्या आएगा, ट्रू. तो यहाँ पे आप ट्रू लिख सकते हो, टी. सेकंड दिया गया है कोल तार इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल. क्या जो कोल तार है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कोयले की, इट इज़ कोल. थर्ड दिया गया है इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम लाइट गैसेस आर द बॉटम फ्रैक्शन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम में जो लाइट गैसेज होती हैं वो बॉटम फ्रैक्शन है. तो ये इसका आंसर भी क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है.
आगे है स्टूडेंट्स फोर्थ, मीथेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस. क्या जो मीथेन है वो मेन कंस्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का? तो इसका आंसर आएगा ट्रू. एट लास्ट है हमारा उन लीकिंग प्योर नेचुरल गैस गिव्स ए पंजेंट स्मेल. पंजेंट स्मेल होती है बहुत ही गंदी सी स्मेल. कैसी स्मेल? पंजेंट. पंजेंट का मीनिंग होता है गंदी स्मेल होती है जो बिल्कुल, उसको बोलते हैं पंजेंट. ओके क्यों? तो बोला गया है कि जब लीक होती है प्योर नेचुरल गैस वो हमें एक गंदी सी स्मेल देती है. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. ठीक है, ये हो गए स्टूडेंट्स हमारे ट्रू फॉल्स. आगे दिए गए हैं स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करनी है. ओके सो हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाई आर द फॉसिल फ्यूल्स कंज्यूमिंग रैपिडली. जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो उनका कंज्यूम क्यों किया जा रहा है तेजी से, ये पूछा गया है. तो आंसर है एनर्जी इज असेंशियल टू लाइफ, इट रिक्वायर्स टू डू ईच एक्टिविटी टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ. द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड द मेन फ्यूल्स यूज्ड टुडे बाय मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस. अमंग दीज फ्यूल्स ऑयल इज द मोस्ट कंज्यूम्ड फॉर एनर्जी कन्वर्जन फॉलोड बाय कोल एंड नेचुरल गैस. दैट्स वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कंज्यूमिंग रैपिडली. तो क्या बोला गया है आंसर के अंदर कि जो एनर्जी है जरूरी है लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए ये रिक्वायर करती है, चाहिए होती है हमें हर एक एक्टिविटी को करने के लिए जो अर्थ पे पॉसिबल है. ठीक है, तो मेन जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो कहाँ से आता है? फॉसिल फ्यूल से. और मेन फ्यूल्स टुडे हम यूज़ कर रहे हैं मोस्ट, हम फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं आजकल मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, मॉडर्न होने के लिए, डेवलप करने के लिए कंट्री को. डेवलपिंग कंट्रीज में यूज़ हो रहा है ऑयल, कोल और नेचुरल गैस में फॉसिल फ्यूल. अमंग दिस फ्यूल, इन फ्यूल्स में ऑयल क्या है मोस्ट कंज्यूम, मोस्ट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, फॉलोड बाय कोल एंड नेचुरल गैस. इसी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं तेजी से. ओके तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन. तो ये स्टूडेंट्स आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है ये क्वेश्चन. आगे दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं? आंसर दिया गया है अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स इनकम्पास ऑल दीज सोर्सेज दैट डू नॉट कंज्यूम. यहाँ पे ये कटा हुआ है, दैट है ये. ठीक है, डू नॉट कंज्यूम फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी कैन बी रेप्लीनिस्ट अच्छे से नहीं दिख रहा एंड आर इको फ्रेंडली. क्या बोला गया है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है इनकम्पास ऑल दो सोर्स हैं दैट डू नॉट, जो कंज्यूम नहीं करते फॉसिल फ्यूल्स को, ये अवेलेबल है प्लेंटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट है और ये रेप्लीनिश्ड और ये भरपूर हैं और इको फ्रेंडली हैं. ठीक है, नेचर के लिए. सम ऑफ दीज सोर्सेज आर, इनमें से कुछ सोर्सेज हैं सन, विंड, हाइड्रो पावर मीन्स वाटर, बायोमास MASS है ये बायोमास, बायोलॉजिकल मटेरियल एंड वेस्ट. बायोमास क्या है? बायोलॉजिकल मटेरियल और वेस्ट है. एंड जियोथर्मल है एनर्जी हार्डनेस फ्रोम, ये कटा हुआ है यहाँ पे, फ्रोम है ये. ठीक है, बीनीथ दी अर्थ. समझ आ रहा है आपको? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा और इसी के साथ आपका जो ये लेसन है ये कम्प्लीट होता है. जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं वेरी शॉर्ट लॉन्ग और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन, ये आपको फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करने हैं स्टूडेंट्स. बाकी जो बुक वर्क है वो आपको बुक के अंदर ही फिल करना है और वहीं से लर्न करना है. सो होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.